नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना ने 1639 लोगों की मौत के बाद भी कानपुर के लोग मास्क पहनने में सतर्कता नहीं बरत रहे। लॉकडाउन के दौरान महज 39 दिन में मास्क नहीं लगाने पर 1,00,000 से ज्यादा चलान हुए। इसके चलते अफसरों ने अब चलान करने के साथ ही लोगों को मास्क के लिए मोटिवेट भी करना शुरू कर दिया है। एडिशनल DCP ट्रैफिक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि चलान के साथ सब लोगों को ट्रैफिक पुलिस जागरूक भी कर रही है। मास्क नहीं लगाने पर रोजाना 2600 के कटते रहे चलान। शहर ही नहीं पूरे देश में कोरोना को लेकर तबाही मची हुई है। हर तरफ संक्रमण से मौत का मातम छाया हुआ था। इसके बाद भी कोरोना संकट काल में भी 7 अप्रैल से 16 मई के बीच प्रतिदिन 2600 लोग पुलिस को ऐसे मिले जो लापरवाह है। इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, पुलिस ने इन्हें मास्क तो दिया, साथ ही इनका चलान भी किया। 39 दिनों के इस अभियान में पुलिस ने मास्क न लगाने वालों से 75.93 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया। चौराहे पर कटे सबसे ज्यादा चलान, ये कार्रवाई किसी गली मोहल्ले की नहीं है। शहर के प्रमुख चौराहे पर अभियान के दौरान बिना मास्क के सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए। इनमें से कुछ के चलान मैनुअल और बाकी के ऑनलाइन काटे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.